वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कल के सफ़र में आपने देखा कि हम कैसे हाईवे पे एक रूम लेके अभी रुक गए थे, और आज के सफ़र की शुरुआत हम सुबह 6 बजे से करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, सारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बने रहिएगा। सफ़र की शुरुआत हो गई है, तीसरा दिन है आज मिशन बैक टू होम का। आज थोड़ा जल्दी शुरू किया है क्योंकि आज हमारा लक्ष्य है कि हम घर तक पहुंच जाएं, जिसमें कि लगभग 12 घंटे लगने वाले हैं। तो 12 से 12.5 घंटे की ड्राइव होगी, बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आज जोधपुर से शुरुआत की हमने, और नागौर सालासर होते हुए, हिसार होते हुए अपने डेस्टिनेशन लुधियाना पहुँचे। तकरीबन 710 या 720 किलोमीटर का रास्ता है ये। राजस्थान की रोड तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब से हमने जोधपुर से बीकानेर वाला रोड पकड़ा है तब से सिंगल रोड है। रोड अच्छा है, पर अगर ट्रैफिक ना हो तो ठीक। एक और टोल आ गया है 80 किलोमीटर के अंदर, ये दूसरा टोल है। कितना है? फ्रेंड्स, हमारी कार का टायर फट गया है, सिर्फ पंचर नहीं हुआ, वो फट ही गया है। तो ये भाई साहब हैं, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, और आप देखो कैसा एरिया है, ये पूरा बीहड़ वाला एरिया है। यहाँ पे हम काफ़ी मुश्किल में फंस सकते थे, तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, ये मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं आपका डालूंगी उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऐसे इंसान होने चाहिए, क्योंकि देखो हम भी करते हैं, तो यही पता लगता है कि आज हमने किसी की मदद करी होगी तो आज आप बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद। तो ये अब हम सालासर क्रॉस कर गए हैं, और यहाँ से अब हमारा टारगेट है हिसार के बाद लुधियाना के लिए दो रूट आएंगे, वो अब हम चेक करेंगे कौन सा बेस्ट है, क्योंकि 30 किलोमीटर का फर्क है वहाँ से, लेकिन टाइम दोनों में सेम सा लग रहा है, तो किलोमीटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
लिया है, क्योंकि रास्ते में कोई टायर नया लेने का फ़ायदा नहीं है, पता नहीं कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, और बाद में गारंटी में भी दिक्कत आएगी। और दो टायर फिर मैं नए चेंज करवाऊंगा, तो वो अब लुधियाने जाके करवाएंगे। टोल आ गया जी, तो अब ये टोल आ गया है, फायदा तो ये हुआ। देखो जी, अब ये हम क्या करते थे, खाली रोड भी अगर यहाँ गाड़ी रोकी, पैसे देखे, 100 का नोट दिया, फिर वो काटता था, उसमें से फिर वो 30 रुपए देता था, क्योंकि ये इनकी मशीनें टाइम लगाती हैं, कईयों की तो बहुत फटाफट होती है। अब कोई 500 का नोट दे दे कोई आगे वाला, फिर टाइम लग रहा है। तो इससे अगर आप ये समझ लो 15 घंटे की जर्नी है अगर हाईवे पे, और उसमें 15 घंटे की जर्नी है, 15 घंटे की जर्नी मतलब हो गया 700-800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर में आज की डेट में अगर आप नेशनल हाईवे पे चलते हो तो 12 से 15 टोल तो आएंगे ही आएंगे, 15 टोल आएंगे। तो आप मिनिमम 1 घंटा मान के चलो, मिनिमम, ज़्यादा भी होता है लेकिन 1 घंटा तो आपका बचेगा ही बचेगा ये फास्ट टैग की वजह से। और सबको लगवाना ही चाहिए, मैं तो देखता हूँ अभी भी लोगों की कैश की लाइनें बहुत लगी हुई हैं, जबकि फास्ट टैग तो पहले तो कंपनियों के लेने पड़ते थे, पेटीएम वेटीएम लोग कहते थे हम पेटीएम भी चला सकते, अब तो बैंक के थ्रू भी जुड़ने लग गया है, तो बड़ी अच्छी सुविधा आई है। तो ऑनलाइन जितनी हो रही है बढ़िया है। और आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा जब हम बॉम्बे से निकले थे कितना ट्रैफिक था डबल रोड होने के बावजूद, अब यहाँ देखिए कि सिंगल रोड है, अभी तक तो हमें कोई ट्रैफिक मिला नहीं, आगे की कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। बाकी सालासर की नगरी ठाप हनुमान जी की नगरी से जा रही हैं तो सब बढ़िया ही होगा। एक और हम काम करेंगे अपने दर्शकों को ना, बाद में जो टोल वगैरह है सारा बता देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा पूरा सारा उसका। हाँ, वो बाद में आराम से ना वो सारा हिसाब करके सारा तब बताएंगे कि मेरा कितना खर्चा आया कार का, जिसमें तेल और टोल ये दो चीजों का मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर स्टेट में तेल का अलग अलग रेट है। डीजल का, मेरी गाड़ी डीजल है तो मैं डीजल की बात करूंगा। सबसे सस्ता जो डीजल है वो हरियाणा में है अभी तक जो मैंने स्टेटों में देखा है, और जो सबसे महंगा डीजल है वो राजस्थान में है। हम पंजाब में कहते थे कि क्योंकि ज़्यादातर हमारा सफ़र जो होता है वो लुधियाना से मथुरा तक का होता है, तो उसमें हम हरियाणा में टंकियां फुल करवाते हैं, आते वक्त टंकी फुल करवाते हैं, तो हमें तो हरियाणा का पता है। यूपी का थोड़ा तेज था क्योंकि ये तो बार बार टंकी फुल करवानी पड़ती है जब इतना लंबा सफ़र करना है। तो अब आप ये देखिए कि अगर 75-76 रुपये रेट है ना हरियाणा का, तो यहाँ 85 रुपये में डलवाया, मतलब 10 रुपये डीजल पर लीटर का फर्क है, थोड़ा नहीं है। तो अब समझ लो एवरेज मेरी गाड़ी में 5,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी भी अगर चली होगी, उधर टोटल मुझे कैलकुलेशन करके पता लगेगा, और 300 लीटर के आसपास का तेल डला होगा, 300 लीटर तो 10 रुपए के हिसाब से या कहीं 5 रुपए के हिसाब से एवरेज करें तो 1500 से 2000 का फर्क तो यही आ जाता है। मस्त है पर पेट अभी पस्त है क्योंकि
सही है, रोड बढ़िया है, तो भैया चलते जाओ। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अच्छे होटल अच्छे क्या ठीक ठाक भी नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये जो रोड है ना, ये ट्रकों के चलने वाले रोड है ज़्यादातर, तो इनके लिए ना ट्रकों वाले जो ढाबे टाइप होते हैं वो बने हुए हैं, वहाँ आपको आपके मन मुताबिक चीज़ नहीं मिलेगी। बच्चे साथ में तो वैसे ही मुश्किल कि ये खाना है वो खाना है, वहाँ ब्रेड तक नहीं मिलता, सिंपल दाल रोटी सब्जी आपको मिलेगी। और अगर आप पकड़ते हो रोड बॉम्बे से, जो हमने अहमदाबाद वो बड़ोदरा पे छोड़ दिया था जो है जयपुर वाला, अगर वो पकड़ते हो उस पर आपको मिलते रहेंगे, उस पर होटल भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, डबल रोड भी है वो आपको अजमेर तक डबल रोड मिलेगा। लेकिन उसमें ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना कि वो डबल रोड भी सिंगल रोड से भी बेकार है। अब आप वीडियो में देख रहे होंगे कितना बढ़िया चल रहे हैं हम, पीछे वीडियो देखा था अपने जो अहमदाबाद से गए थे वो भी लिंक रोड थे अंबाजी तक, तो वो भी बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी जब एवरेज भी नहीं बनती है, मतलब आपको मैं बताऊं कि जो मेरी गाड़ी एवरेज, क्योंकि मैं 80-100 के बीच में गाड़ी को रखता हूँ, तो 19-20 की एवरेज दे देती है हाईवे पे ये टाटा मानता। तो इसने बड़ोदरा वाले जो रोड पे, सूरत वाले बड़ौदा वाले रोड पे कोई ट्रैफिक इतना ब्रेक करो ये करो, तो मेरे को इसने 16-16.5 की एवरेज दी थी। और उसके बाद मैं सूरत से चला हूँ, तो सूरत में थोड़ी प्रॉब्लम रही एवरेज की, वहाँ इसने 17 की एवरेज कर रखी थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सप्रेसवे लिया अहमदाबाद वाला और उसके बाद लिंक रोड पे भी चलाऊं, सिंगल रोड पे भी चलाऊं, तो कल मेरी जो एवरेज आई है 20.4 की आई है, बेस्ट एवरेज आई है 20.4, मतलब इतनी एवरेज आती नहीं है कभी भी। और बीच में एसी भी चलता रहता है क्योंकि उधर गर्मी भी होती है और शीशे वगैरह हमारे बंद होते हैं, आप देखे होंगे हम गाड़ी चला रहे होते तो कभी हमने शीशा अपना खोला नहीं होता, हम बंद ही रखते हैं, ग्लास ओपन नहीं करते क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता और हवा ऐसी लगती है। तो थोड़ी देर के लिए कहीं मौसम बहुत अच्छा हो, बादल बादल हो, स्पीड कम है वहाँ, तो वहाँ तो हम खोल लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो हम ग्लास बंद ही रखते हैं। गर्मी लगी तो एसी चलाओ, ठंड लगे तो हीटर चलाओ, लेकिन ग्लास बंद रखो। आप रोड का मजा लें, देखें ट्रक ट्रक चल रही है सब। आपकी अच्छी ड्राइविंग तेज चलाने से नहीं होती है, अच्छी ड्राइविंग हमेशा ध्यान रखें स्पीड बनाने से रहती है, स्पीड बनी रहनी चाहिए स्पीड। अब मेरी गाड़ी देख रहे होगे जब से चल रही है, मैं ट्रक भी क्रॉस कर रहा हूँ बाकायदा, कोई रफ्तार में नहीं कर रहा, कोई किसी चीज़ में नहीं, लेकिन एक स्पीड बनी हुई है 80-100 के बीच में स्पीड रहती है। जैसे ही मुझे क्रॉस करना है तो उसको 60-70 के बीच में लाके और स्पीड बढ़ा के क्रॉस करो, रिस्क नहीं लेना क्योंकि लंबे सफ़र हैं, कितनी बार रिस्क लेके क्रॉस करोगे, एक बार दो बार या तो 200 बार क्रॉस करना पड़ जाता है। क्योंकि इस रोड पे मुझे अभी थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है, देखो ट्रक ज़्यादा आ रहे हैं, अभी सालासर तक तो थे नहीं, अब सालासर से हिसार, तो ये मेन रोड हो गया है जो चंडीगढ़ जाएगा अम्बाला जाएगा, हम तो हिसार से टर्न ले लेंगे पंजाब में, तो यहाँ पर फिर ट्रैफिक थोड़ा ट्रकों का मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मौसम है, धूप खिली हुई है। एक दूसरा क्या है कि जो बड़ा हाईवे होता है ना सिंगल लेन वाला, उस पर ट्रक भी बड़े वैसे चलते हैं। दोस्तों गाड़ी रोकनी पड़ गई, इमरजेंसी, कारण दिखाता हूँ आपको क्यों। ये देखिए ढाबा मिल गया, ये बढ़िया बोम
होटल बॉम्बे हाउस, शुद्ध शाकाहारी भी है। हाँ थोड़ा ठीक मिल गया, देखो फैमिलीज भी है यहाँ तो अपने को माल भी मिल जाएगा बढ़िया खाने पीने का, रायना भी खुश हो जाए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकने लगे हम, क्योंकि सारे रास्ते में बिल्कुल बेकार बेकार से ढाबे आ रहे थे, ये थोड़ा कुछ ठीक लगा है, बहुत भूख भी लग रही थी। रायना भी बहुत भूखी है अभी, यहाँ पे कुछ रायना के मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी शायद। हाँ रायना तू क्या खाएगी? तो मिक्स बना दो और एक पनीर वाला बना के देंगे। हमने जो आज खाना खाएंगे। अरे वाह, हाँ। पैक करवा दूंगा, मिर्च नहीं है ये, ये वो है धनिया, सही है तो। हाँ ये अच्छा होता है, देख पनीर तो सिंपल है। पराठा खा रहे हैं, बिल्कुल आटा बहुत बढ़िया वाला है, रिफाइंड आटे होते हैं ना वो, इतने टेस्टी नहीं लगते जितना ये मोटा आटा अच्छा लगता ना। देखो जी कहना नहीं चाहता, फिर कई कई लोग बुरा मान जाते हैं, गुजरात का खाना बेकार है, मीठा मीठा पंजाबी से नाते बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का खाना तेल वाला, कुछ टेस्टी और तेल ज़्यादा, राजस्थान खाना है चोखो बढ़िया, और राजस्थान के लोग भी बहुत चोखो। हाँ सस्ता रेट, बढ़िया खाना, बढ़िया बोली, आप भी कमेंट में बताओ अपनी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, सबसे अच्छे लोग किस स्टेट के होते हैं और सबसे बेकार लोग किस स्टेट के होते हैं एवरेज में। ठीक है बोला था, जरूर बताओ। हाँ बताओ, अगर किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहते ना, अल्फाबेट से लिख देना, मतलब अगर पंजाब है तो पी बी, गुजरात है तो जे जी, राजस्थान तो आर जे है। लो जी दोस्तों नाश्ता हो गया है और सवारी तैयार है सफ़र के लिए, और वीडियो में इसलिए गाड़ी रुकी में शुरू कर रहा हूँ, ये एक ना नया होटल बन रहा है, होटल कह दो गेस्ट हाउस कह दो, बड़े अच्छे सज्जन है ये, अभी इनके मालिक से भी बात हुई मेरी, होटल बॉम्बे। ये जब आप सालासर से हिसार के रास्ते पे आओगे तो सालासर से 10-15 किलोमीटर आगे पड़ेगा आपको, सालासर से आते हुए लेफ्ट साइड, वैसे दूर से ही दिख जाएगा क्योंकि ऐसे अच्छे ढाबे है नहीं गेस्ट हाउस के, तो ढाबे यहाँ था सब ट्रकों वाले हैं, उसकी भी मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था और मैं बड़ी देर तक आप लोगों से कहानी करता रहा, लेकिन पता लगा कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो बात हम शुरू करते हैं तो ये ढाबे से शुरू करते हैं, पहले ढाबे की बात चल रही है, ढाबा कह दो गेस्ट हाउस कह दो, इनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है। एक तो पहली बात है, यहाँ पर आपने रोड पे भी देखे होंगे कोई आपको अच्छे ढाबे नहीं मिलेंगे जो फैमिली वाले लोग हैं जो आ सके। हाँ ट्रकों वालों के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रक वाले नहीं रुक सकते या कि एक्चुअली क्या, फिर फैमिली वाला बंदा जो होता है ना थोड़ा सा अवॉइड करता है उन ढाबों को, और वहाँ पर आपके मुताबिक सामान भी नहीं मिल पाता। अब हमने पराठे खाने थे, अब वहाँ पराठे मिलते नहीं मिलते, एक जगह तो मिले ही नहीं, बच्चे ने कहना पनीर का पराठा खाना है। तो अब खाने की बात बताऊँ ना, जैसे कुछ मौके होते हैं कि यार ये खाना बड़ा ज़बरदस्त था, तो उसी तरीके से आपका शहरी ब्रेकफास्ट देहाती अंदाज में, कैसे जो पराठे बने हैं, जो आटा है वो भी इनके गांव में घर में जो चक्की है वहां से मोटा पिसा हुआ आटा एकदम, और घर के दूध का ही पनीर, घर के दूध का ही दही, और घर के दूध का ही मक्खन, मक्खन में उसने वो पराठे बनाए एकदम खस्ता पराठे, मतलब हमने एक एक पराठा ऑर्डर किया था, उसके बाद फिर एक एक और कर दिया, दो दो खा लिए, उसके बाद फिर हमने एक पराठा और कर दिया, मतलब ढाई ढाई पराठे, और पराठों के साइज भी आप वीडियो में देखोगे
देखने बड़े मोटे लग रहे हैं पर बहुत लाइट थे। और लाइट पराठे हैं कि मतलब अगर मैं चाहता तो एक एक पराठा और भी खा लेता। मेरे को भी ऐसा ही होता। तो इसलिए ना कोई अच्छी चीज कर रहा हो तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो अब हम निकल चुके हैं सफर पे हिसार वाले पे। और एक बात और बताना चाहूंगा, आपने शायद पिछले वीडियो में देखा हो या इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बीच में देखा हो, तो सालासर से 10-15 किलोमीटर पहले गाड़ी पंचर हो गई बैक टायर। अब वो पंचर भी क्या हुई, कट लग गया टायर में और वो जितने में मैं ब्रेक लगा था टायर बिल्कुल खराब हो चुका था। तो मैंने उसमें, मेरे पास पंप है भरने वाला, मैंने वो लगाया लेकिन वो जब कट लग गया तो फिर वो भरी नहीं जाएगी उसके अंदर हवा। अब बारी आ गई टायर बदलने की। तो देखो टायर बदलना थोड़ा मुश्किल सा ही काम होता है, वो भी शहर वालों के लिए। और वो गाड़ी भी थोड़ी ना टाउन से मैं खड़ी थी, तो इतने में एक बंदा आता है जी, एक भाई साहब मिलते हैं मोटरसाइकिल पे, कहते जी कोई हेल्प करूँ जी आपकी। हमने कहा जी हेल्प यही है, कोई पंचर वाले देख दो मिल जाए। तो अगर पंचर वाला तो वो सामने आएगा, गाड़ी वहाँ ले जाओ। मैं कहा गाड़ी ये टायर बिल्कुल ही खराब हो गया है और गाड़ी तो आगे जाएगी नहीं। वो पंचर वाले पे गया, पंचर वाला मिला नहीं, दुकान पे था नहीं। वो वहाँ से जैक लेके आया, क्योंकि हमारे जो जैक होते हैं कारों के पतले से होते हैं, वो मोटा जैक लेके आया। जैक लगाया उसने गाड़ी में, मैं बोल रहा हूँ टायर में बदल लूंगा चेंज कर लूंगा। कहता नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, आप हमारे शहर में आए हो, आप हमारी जगह पे आए हो, आप राजस्थान में आए हो। उस व्यक्ति ने बिना कोई मेरा नाम पूछे, जात पूछे, काम पूछे, टायर बदला बोला मैंने। और इतना बेचारा, मतलब ठीक है ठंडा मौसम है लेकिन, तो वो मतलब उसने मेरा टायर बदला। मैंने उसको बोला कि आपको कोई पैसा, कहता जी क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा उसके पैसे जिसका जिसका तुम जैक लाए हो। कहता ना जी उसको भी काहे के पैसे। तो मैंने उसका नंबर लिया, उसका थोड़ा सा वीडियो बनाया। कहने का मतलब ये है, अच्छे लोग मिले तो, अच्छा काम देखे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने कई बार देखा होगा दुनिया ना हाईवे पे हाथ रोक रोक के हेल्प मांगती है लेकिन उनको हेल्प नहीं मिलती। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी आपको कहीं हेल्प करने का मौका मिले ना तो आप जरूर हेल्प करो। ये मत सोचो कि मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा क्या मिलेगा, तो रिजल्ट ऐसे ही मिलता है। मैंने भी कहीं किसी की कोई हेल्प ऐसे की होगी तो देखो अचानक ही वो व्यक्ति मिलता है, ना मैंने उसको हाथ दे के रोका ना कुछ किया, और वो खुद, कई लोग होते चलो ठीक है ये ले लो जी, खुद पूरा टायर बदल के, मतलब अगर टायर भी बदलवाता तो बदलने वाला भी 100 रुपये ले लेता। और वो ये भी बोल रहा है कि जी आगे दुकान है जी, मैं फ़ोन कर दूँ अगर आपको टायर कुछ करना है, चेंज करना है या क्या है, आपका लंबा सफ़र है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। जाएंगे तो पता लगेगा, बाहर भी तो लगा रहता है। 74 रुपये, 11 रुपये का फर्क है। बताओ 11 रुपये लीटर का फर्क है। लो जी बेर तोड़ते हैं रास्ते में, रुके हैं यहाँ। ये बेर है पता नहीं क्या, ये तो सूख गए सारे।
ये तो बेकार है, ये तोड़ने लायक नहीं है। छोटी छोटी भी तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं अब लुधियाना, एंट्री कर ली है हमने लुधियाना में और एक या डेढ़ घंटे के अंदर हम अपने घर तक पहुंच जाएंगे। तो सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होने वाला है, तो आज का वीडियो भी मैं यहीं एंड कर देती हूं क्योंकि बहुत थके हुए हैं, घर पर जाके वीडियो का एंड करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अगर पसंद आता है आपको लाइक ज़रूर करें। एक लाइक का बटन दबाना बहुत ही आसान होता है, वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, और हाँ अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपना इस पर रिस्पॉन्स ज़रूर दें, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और आगे भी मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए मेरे को प्रोत्साहन मिलता रहेगा, तो प्लीज़ ज़रूर रिएक्शन ज़रूर दें अपना। तो वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय बाय।